بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما अज़मत ख़त्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले तर्स के साथ हाजिर ख़दमत हैं। तामीर काबा शरीफ से पहले इन्हिदाम का मसला पेश आया कि मौजूदा इमारत को तोड़ेगा कौन। खाना काबा की दीवारों को कैसे तोड़ा जाए, कौन हिम्मत करे। लोगों के सामने कई एक वाक़यात ऐसे थे कि जिसने खाना काबा की बेहरमती करने की कोशिश की या खाना काबा के तकद्दस को पामाल करने की कोशिश की या फिर खाना काबा के की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन तमाम के तमाम लोगों ने भारी भरकम नुकसान उठाया। और वो भारी भरकम नुकसान ऐसा वैसा नुकसान नहीं था, बल्कि वो नुकसान ऐसा था कि अल्लाह ने उनको रहती दुनिया तक के लिए निशान इबरत बना कर रख दिया। वो निशान इबरत बन गए। तो अब सवाल ये आया कि हम जो खाना काबा की तामीर करना चाहते हैं तो पहले इन्हिदाम ज़रूरी है, पहले मौजूदा इमारत को तोड़ना ज़रूरी है। अब जो तोड़ेंगे तो तभी तो तामीर होगी ना, लेकिन तोड़े कौन। अब तक जिसने थोड़ी सी भी बेअदबी की वो निशान इबरत बना, और जिसने बहुत सारी बेअदबी की वो तो पता नहीं कितना बड़ा निशान इबरत बना। अब हमें कौन फावड़ा कौन हथौड़ा चलाए। तो एक बात ये आई कि उस वक्त में एक शख्स था अम्र जो शख्स था, अम्र ने लोगों को जमा करके कहा, ये उस वक्त के सरदारों में से ही था जाहिर है। तो अम्र ने कहा कि आपका इरादा क्या है, खाना काबा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो या फिर खाना काबा की इन बोसीदा इमारत की और इन दीवारों की इस्लाह करना चाहते हो। कुरैश ने कहा भाई जाहिर बात है कि हम तो इस्लाह करना चाहते हैं। तो जब इस्लाह करना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाह करने वालों के साथ है। तो जब इस्लाह करने वालों के साथ अल्लाह है तो फिर क्यों परेशान होते हो, काम करो अल्लाह का नाम लेकर। और अब ये वहाब जो वहाब अम्र इब्ने आबिद जो था, ये शख्स लोगों को आमादा कर रहा था कि चूंकि आपका इरादा कुछ गलत नहीं है लिहाजा आप वजह खौफजदा न हो। अब लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुरैश बहुत समझदार थे, बहुत दूरंदेश थे, बाज खराबियां आ गई थी ये अपनी जगह है, लेकिन जहीन बहुत थे, समझदार बहुत थे, इनमें फहमो फरासत बहुत तगड़ी वाली थी। मैं तो वाकयात को पढ़कर इसी नतीजे में पहुंचा हूं कि कुरैश में समझदारी बहुत थी। चलिए, तो कुरैश ने एक फैसला ये किया कि जो शख्स इसकी तामीर करेगा वही शख्स इन्हिदाम करेगा, इसको मुनादिम भी वही शख्स करेगा। अब ये अम्र जो थे इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चूंकि हम सब का इरादा इसको नुकसान पहुंचाने का नहीं है लिहाजा मैं शुरुआत करता हूं। और वो हथौड़ा लेकर और हजर अस्वद के मकाम पर जहां आज हजर अस्वद है उस मकाम से उसने तोड़ना शुरू किया, और तोड़ने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, या अल्लाह हमारा इरादा तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम तो इसकी बोसीदा इमारत को ही इस्लाह करना चाहते हैं, और तू हमें खाना काबा की वजह से किसी गिरफ्त में मुबतला न फरमाइए। इस तरह की उसने पहले दुआ की, और उसके बाद
मैं पहले कह चुका हूं कि ये आसमानी खुदा को मानते थे, ये खुदा वाहिद को मानते थे, ये अलग बात रही कि ये खुदा का शरीक ठहराते थे 360 बुतों को। तो अब इन्होंने ये दुआ करने के साथ जो तोड़ने का काम शुरू किया, थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा था और उसके बाद जाके इन्होंने काम को रोक दिया कि अब रात गुजरने का इंतजार किया जाए कि हम पर कोई मुसीबत तो नहीं आती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आती है तो हम ये जो हमने हिस्सा तोड़ा है हम इसकी रिपेयर करके छोड़ देंगे, और अगर कोई मुसीबत नहीं आती है तो हम उसको समझेंगे कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है, लिहाजा फिर हम सारी इमारत को मुनहदिम करके और फिर नए सिरे से एक मजबूत तामीर करेंगे। अल्लाह की कुदरत के वहाब अम्र ने जो उसकी तुड़ाई की थी वो भी घर चला गया और लोग भी घर चले। सुबह को ये अम्र वापस आया, सब सही सलामत था, और भी कोई वाकया ऐसा मक्के में पेश नहीं आया जिसको ये समझा जाता कि भाई अल्लाह खुश नहीं है इस काम से। जब सब कुछ अमन व अमान रहा तो लोगों ने आगे की तुड़ाई का काम शुरू किया। अब जब तोड़ते तोड़ते ऊपर की जो सतह जमीन के ऊपर की जो इमारत थी वो सारी की सारी जब मुनहदिम हो गई, अब जब वो उन बुनियादों के अंदर चले हैं जिन बुनियादों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था, तो उसमें सब्ज रंग के इस तरह के सख्त पत्थर निकले जैसे ऊंट का कोहान होता है। ऊंट का जो कमर पे ऊंचा सा वो निकला होता है ना कुब सा, एक कोहान उसको बोलते हैं। तो इस तरह के कोहानी नुमा पत्थर निकले जो आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे जैसे दांत एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, जैसे किसी चीज के दंदाने ऐसे घुसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे घुसे होते हैं कुछ इस तरह से वो दंदानों की शक्ल में वो पत्थर घुसे हुए थे और वो हरे रंग के थे। अच्छा, अब ये इरादा बनाया गया कि इन पत्थरों को भी निकालकर नीचे से ही बुनियाद को मजबूत किया जाए। तो अब जैसे ही उसमें छेनी, उस वक्त की जो भी छेनी कुदाल जो भी होगा उसको उसमें फंसाकर जैसे उसको चोट मारी गई और उसको निकालने की कोशिश की गई तो कहते हैं कि उसमें एक ऐसा नूर निकला बहुत तेज जिससे सब रोशन हो गया और मक्के में एक बहुत तेज वाला जलजला आया। बल्कि यूं भी लिखा है कि यहां पर इनको एक तहरीर मिली और वो तहरीर इब्रानी जबान में थी और ये लोग इब्रानी जबान को जानते ही नहीं थे। फिर उसको पढ़ने वाला एक शख्स इनको मिला। बाज ने कहा है कि वो तहरीर इनको एक पत्थर पर कुंदा मिली और फिर अगली तहरीर इनको मकाम इब्राहिम से मिली, फिर एक तहरीर इनको और मिली। इस तरह से तीन तहरीरें मिली जिसमें इस तरह का कुछ मफहूम था कि जैसे ये मजमून अल्लाह की तरफ से हो और अल्लाह बता रहा हो कि मैं ही इस मक्के शहर का मालिक हूँ, इस तरह की कि उसकी इबारतें जिक्र की हैं अस्हाबु सियर ने। कुल मिलाकर बहरहाल उसके बाद में बाकायदगी के साथ जब ये सारा मलबा वहाँ से हटा दिया गया तो उससे पहले पहले यहाँ सारे पत्थर जमा कर लिए गए थे और जिसका पहले हम कुछ अहवाल जिक्र कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर उसके बाद खाना काबा की तामीर नौ का काम शुरू हुआ और फिर आगे के वाक़ात पेश आते रहे। हम ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, अल्लाह की तौफीक और उसकी इस्तकामत हमारे लिए शामिल हाल बनी रहे, इसके लिए दुआ करें और मुझ फ़कीर के लिए भी दुआएँ ज़रूर किया करें। अल्लाह आपको बहुत भरपूर नेमतें दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।